पंजाब में मुल्तमी सिंह जनाब बहुत नाम है उनका, पहले भी उनका तारुफ हुआ जनाब राशिद महमूद साहब के लिए भरपूर तालियां बजाएं। बिस्मिल्लाह माने रही अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयद या रसूल अल्लाह। स्टेज पर मौजूद मेहमाना ने गिरामी और इस हॉल में माशाल्लाह सबके सबके सबूत जो है ये शाहजी की मोहब्बत में यहाँ आपको दिखाई दे रहे। अगर ये प्रोग्राम हम चाहते तो हम हजारों बंदे इकट्ठे कर सकते थे, लेकिन जैसे शेख साहब ने कहा कि हमने आज इसको एक सिलेक्टेड सी एक इस तरह की गैदरिंग रखी कि हम अपने शाहजी को अपने ही दरमियान में रखे। इस बीवी के हवाले तो मुस्तकिल इस मुल्क में वो हमेशा से है, सारी दुनिया के हवाले आज हमने ये प्रिविलेज जो है इसको अवेल करना चाहे। शाहजी के जो मुख्तलिफ ऑप्शंस शेख साहब ने भी, हकीम साहब, मलिक साहब ने भी और बख्शी साहब ने भी सबसे जो उन्होंने की उससे वो सब आप ऑलरेडी शनास हैं उनसे। मैं कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन से भी और मुख्तलिफ एंगल से बात करूंगा। बड़ा लंबा सफर है मेरा भी इस दस्त की सयारी में। मेरे मुल्क में कोई टेलीविजन वगैरह कुछ नहीं था, तब रेडियो पाकिस्तान भी एक छोटा सा गवर्नर हाउस की बैग पे हुआ करता था। मैं और इरफान खुसट हम दोनों 10 बरस 16 नहीं थी शरी, मेरा ख्याल है इरफान कुछ घंटे ही मुझसे छोटा होगा। हम सारे एक ही हम उम्र है सारे के सारे। मेरी जिंदगी में शाहजी की एक मुस्तकिल ऑक्सीजन जो है मुझे हासिल रही है। बहुत बड़ा नाम है दुनिया भर में। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नाम जो है जिनकी शनाख्त इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें एक जो मेरे इल्म में है, मैं बड़ी डिटेल से नजर रखता हूं सब चीजों पर, एक हमारे कैमरामैन थे जिनका नाम हॉलीवुड के उस रिकॉर्ड में, और वो थे नबी अहमद साहब। दूसरा डायरेक्टर्स में से पुरानों में से एक दो नाम है। उसके बाद पिछली काफी सारी दहाइयों से सिर्फ एक नाम है जिसकी शनाख्त है इंटरनेशनल लेवल पे, सैयद नूर साहब। उसके बाद फिल्म में भी आ गया। शाहजी से एक रब्ता, एक ब्लेसिंग, इनकी एक मोहब्बत, एक साथ सारी जिंदगी साथ रहा। फिल्म में काम किया था, मेरे दिल में रहता था कि यार शाहजी की फिल्म में सबने काम किया, मुझे नीना ने कभी बुलाया। अब बड़ा एक पीक पीरियड था मेरा फिल्म इंडस्ट्री में, और नेगेटिव रोल्स के हवाले से बेशुमार हर फिल्म में मेरा नेगेटिव रोल होता था। तो एक दिन शाहजी ने मुझे बुलाया, राशिद किधर हो? मैंने कहा शाहजी मैं आपके, आओ मेरे पास। मैं गया इनके पास, इन्होंने मुझे कहा राशिद तुमने मेरी फिल्म में काम करना है, तुमसे प्रेयर फ्रॉम यू के यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाहजी ने मुझे बुलाया है। और वो मेरा नेगेटिव रोलों में डोमिनेटिंग एक रोल था, टेलीविजन पे भी फिल्म पे भी। तो मेरे दिल में था कि कोई ऐसा ही रोल। शाहजी ने कहा वक्त है, मैंने कहा शाहजी मैं तो आप ही के लिए कल के बैठो। शाहजी ने मुझे सुनाया और वो प्योर पैथेटिक रोल था, मेरे लिए एक बैन था। ओ माय गॉड, पहली फिल्म में शाहजी की और एक पैथेटिक रोल। तो मैंने देखा शाहजी को, मैंने कहा शाहजी ये तो कल के तुम देखो कैसा अच्छा करोगे। मेरी जिंदगी का पहला जो अवार्ड मुझे मिला था निगार, वो उनकी पहली फिल्म से मिला था। उस फिल्म में इस कदर खूबसूरत और इस कदर कमर्शियली भी, इकोनॉमिकली भी वही फिल्म हुई, आज भी उसकी जो है मिसाल दी जाती, कोट किया जाता है उस फिल्म को। मैंने सबके साथ काम किया, लेकिन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो हुकूमत से मिला। मेरी जिंदगी में जितने अवार्ड है, जिसमें रजिस्टर्ड अवार्ड है जो मेरे शोबिज इंडस्ट्री के,
मुझे दूसरा अवार्ड भी जो निगार मिला वो भी शाह जी की फिल्म थी डकैत, उसमें मिला। फिर उसके बाद डायर शुमार अपने पिस्टल का फैक्टर है शायद उस पहली फिल्म के बाद मैं ही कहीं कोई टीवी शीवी के चक्कर में कहीं इधर उधर निकल गया, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन्होंने मुझे, मैंने शाह जी से कभी नहीं पूछा कि मम्मी क्या करना है, मुझे पता है क्योंकि मैं शाह जी की फिल्म को बिल्कुल उसी तरह स्लोगन समझता हूं कि इनकी फिल्म जब मेरे पास होती है तो मैं एक लेटर में 75 किलोमीटर ऐसी स्पीड से निकलता हूं, और ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा ना हुआ। शाह जी बेशुमार न्यार इस मुल्क में इन्होंने टैलेंट जो दुनिया भर में इस वक्त, ये बड़ा काम है। और हम इस बात के ऊपर बात करेंगे कि ये कर्नल अब्दुल रऊफ मक्सी साहब जो है ये एक शहीद, इनका बेटा है, उसके वालिद है, अपने कंध पे उस बेटे को लेकर खुद गए, और बड़ा हिम्मत है, ये शहीद इनका बेटा कारगिल में हुआ, और हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं, इनकी उम्र के लिए दुआ करते हैं। जनाब चौधरी मबीन साहब तशरीफ लाए हैं जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान अवार्ड अकेडमी के, तशरीफ रखिएगा जी। नीचे हम लोग जो पुराने लोग थे देखते थे इंडियन फिल्में, फिर पाकिस्तान में ऐसी ऐसी आला फिल्में बनाई, और जिक्र को किया बेटे ने शाह साहब का कि बड़े अच्छे राइटर और हदायतकार था, और ये नहीं कहा कि वो बहुत अच्छे एक्टर भी थे, बहुत अच्छे हीरो भी थे, मतलब वो चीज बीच में से मिस हो गई। मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार कोई कमी रह गई, उस एक एक ताज बनाया उसमें सोना लगाया बड़ी चीजें लगाई, लेकिन उसका हीरा जो था वो रह गया, वो नहीं लगाया, तो वो ये था उस ताज की कमी। तो शाह साहब अल्लाह ताला आपको उम्र खिजर अता करे, आपकी मोहब्बत में मैं बहुत थका हुआ था, फिर भी जैसे ही मुझे अमीन का फोन आया मैंने कहा अमीन मैं पहुंचूंगा, और अभी मैं एक फंक्शन में था ग्रैंड मिलेनियम होटल में, और वहां से मैंने उनसे कहा कि जल्दी जल्दी तकलीफ करवा लो, मैंने जाना है शाह साहब के फंक्शन में। अल्लाह आपको जिंदगी दे, और शेख साहब आपको भी, और राशद, और ये तमाम जो लोग आए हैं, और मलिक साहब आपने तुझा जग प्यार ना मोहम्मद ना याद किया था जना गुलाम, तो मैं बड़ी सारी जुबानें बोलता हूँ, फ्राइकी एक खास तौर पे मुझे मीठी लगती है। मेरी तरफ से मैं शाह साहब को एक दफा फिर बहुत मुबारकबाद, खातिर रात।